दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि Realme ने उसके Realme 3 को तो लॉन्च कर दिया है और अब लोगों को Realme 3 Pro का इंतजार है। साथ ही में आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके Realme 3 Pro के फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर कंपनी आपको इस स्मार्टफोन में क्या कुछ देने वाली हैगी। साथ ही में ये स्मार्टफोन आपको 22 अप्रैल को लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोपहर 12:30 बजे। आप इसका लाइव लॉन्च इवेंट मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉम्पिटिशन Redmi की Note 7 Pro को देने वाला है। मैं आपको ये बताऊंगा कि Redmi का Note 7 Pro अच्छा है या फिर Realme का 3 Pro अच्छा है, इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको इसके फुल स्पेसिफिकेशंस भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेन हाईलाइट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें आपको ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि इसका मेन हाईलाइट है इस स्मार्टफोन की, क्योंकि यहाँ पर आपको 710 चिपसेट देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप फोर्टनाइट गेम भी खेल सकते हैं इस Realme 3 Pro। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6GB की रैम देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ और स्पेक्स भी नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा गया यहाँ पर आपको 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 3960 mAh की बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलेगी। साथ दोस्तों कुछ दिन पहले Realme 3 Pro के जो कैमरा सैंपल सामने आए थे उससे ये भी क्लियर हो गया कि इस हैंडसेट में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था यहाँ पर आपको 25 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें भी आपको Redmi की Note 7 Pro की तरह 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी के सेंसर देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। इस हैंडसेट में आपको एंड्रॉइड का 9.5 OS देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कलर OS 6.0 देखने को मिलेगा। ये फोन आपको अप्रैल 22 को लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ में अप्रैल 12:30 बजे तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi का Note 7 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 675 चिपसेट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 710 देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 675 710 तो थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपको फोर्टनाइट खेलने का देखने को नहीं मिलता है। तो हर फोन उसकी जगह पर सही है, लेकिन मैं आपको एक और बता दूं कि Redmi का जो Note 7 Pro है वहाँ पर आपको बैक पर ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी Realme 3 Pro में, तो प्रीमियम फील आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आपको गुड लुकिंग फ़ोन चाहिए तो आप Redmi के Note 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Realme के 3 Pro के साथ जा सकते हैं। अब आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा आपको थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बस आज वीडियो में बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में बताइए, मैं मिलूंगा आपको नए अगले वीडियो में, तक आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।